हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बोरोवर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे जब सरफेसी एक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए तो उसके बाद डीएम के क्या अधिकार होते हैं और क्या डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बार पजेशन का ऑर्डर करने के बाद उसे रिकॉल कर सकते हैं, क्या उसे जो है निरस्त कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा ही एक केस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पर हरियाणा के एक ज़िले के डीएम ने सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत जारी किया गया पजेशन नोटिस रिकॉल कर लिया। तो उसके क्या फैक्ट्स रहे, कैसे उन्होंने रिकॉल किया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास उसी वक्त पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। केस जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, इसमें सिविल रिट पिटीशन नंबर 31871 है, ये 2019 की है और केस का टाइटल है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MS रामचंद्रन राव और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस HS मदान की डबल बेंच ने जजमेंट दिए। हालांकि जजमेंट ये मार्च 2022 की है, लेकिन मैंने इसे जो है महत्वपूर्ण समझा और मेरी नॉलेज में अभी आई, तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं इसका आपको साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, इसमें जो फैक्ट्स हैं केस के, वो है कि पटिशनर यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उन्होंने डीएम कैथल के ऑर्डर को चैलेंज किया था, यानी कि वो ऑर्डर रिकॉल ऑर्डर था, डीएम के द्वारा जारी किया गया था, तो उसको चैलेंज किया गया माननीय हाई कोर्ट में। रेस्पोंडेंट्स हैड अवेल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज ओवर ₹28 लाख, यानी कि 28 लाख रुपये का लोन है जो रेस्पोंडेंट्स ने लिया था श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 2016 में, और इसके बदले में अपनी प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज की थी, और 2017 में यानी कि एक साल के बाद ही ये अकाउंट NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। उसके बाद बैंक ने 13-2 का नोटिस जारी किया, जिसको हम डिमांड नोटिस भी कहते हैं। तो इसमें 4 लोग बोरोवर थे, यानी कि एक वाइफ, एक हस्बैंड और उनका बेटा और बेटी, ये 4 लोग उसमें बोरोवर थे। और डिमांड नोटिस में 31,48,000 रुपये की राशि जो है डिमांड की गई 60 डेज़ के अंदर अंदर। उसके बाद 13-4 के तहत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने सिंबॉलिक पजेशन ले लिया दिसंबर 2017 में, और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट बिफोर DM फॉर फिजिकल पजेशन, की हमें जो है वास्तविक कब्जा उस प्रॉपर्टी का दिलवाया जाए जो मॉर्गेज की गई थी। DM ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया 2018 में एंड अपॉइंटेड सब तहसीलदार फॉर टेकिंग पोजेशन, और सब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई, उनको नियुक्त किया कि आप ये प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेकर फाइनेंशियल कंपनी को दें, तो और ये ऑर्डर जो उनकी एप्लीकेशन है पास कर दी गई। तो उसके बाद दोस्तों, एक इसमें टर्न होता है यानी कि इवेंट्स का, कि इस बीच जो है जो मेन बोरोवर थी यानी कि पत्नी, उनका देहांत हो जाता है, बट दिस फैक्ट वॉज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पेटिशनर, लेकिन पेटिशनर को यानी कि NBFC कंपनी को इसका जो है पता नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है, सो इट कुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द DM बिफोर पासिंग ऑफ ऑर्डर, इसलिए जो है DM के नोटिस में भी ये चीज़ नहीं आई। ड्यू टू डेथ ऑफ को बोरोवर
और जो बोरोवर की मृत्यु हुई थी, जो मेन बोरोवर थी महिला, उनकी मृत्यु के बाद डीएम ने जो पोजेशन नोटिस, पोजेशन ऑर्डर जो है इशू किया था, उसको रिकॉल कर लिया। करीब 20 दिन के बाद, पहले ऑर्डर को पास करने के 20 दिन बाद उसी ऑर्डर को रिकॉल कर लिया। तो पेटिशनर्स का यहाँ पर कहना था, यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनी है उसका कहना था कि देर इज़ नो प्रोविज़न अंडर सरफेसी एक्ट टू रिव्यू और रिकॉल एन ऑर्डर पास्ड बाय डीएम बिकॉज ही हैज़ नो सच पावर। की सेक्शन 14 के तहत जो डीएम है वो एक बार ऑर्डर इशू होने के बाद उसको ना रिव्यू कर सकते हैं ना रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि डीएम को सरफेसी एक्ट के तहत ऐसी कोई भी पावर नहीं दी गई है। तो डीएम की तरफ से जो जवाब दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ कि वारंट दखल वाज कॉल्ड बैक, कि जो पोजेशन ऑर्डर था उसको कॉल बैक किया गया, ये उसको हम वारंट दखल भी बोलते हैं, इन व्यू ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बाय हस्बैंड ऑफ बोरोवर, क्योंकि जो है महिला के पति ने एक एप्लीकेशन लगाई इंटीमेटिंग दैट शी हैड डाइड, कि वो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है जो बोरोवर हैं, एंड इट वाज फेल्ट दैट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू पास ए वारंट अगेंस्ट ए डेड पर्सन। और डीएम ने ये महसूस किया कि एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ जो है जो वारंट है, यानी कि वारंट दाखिल है, वो पास करना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए उस ऑर्डर को रिकॉल किया गया। इसमें जो लीगल वारसान हैं महिला के, बोरोवर के, उनकी तरफ से कहा गया कि मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी वाज ओनली इन द नेम ऑफ डिसीज्ड, कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ जो है उनकी माता के नाम थी, यानी कि जो बोरोवर है उनके नाम थी, बट द पेटिशनर हैड गोट सिग्नेचर्स ऑफ डिसीज्ड हर हस्बैंड सन एंड डॉटर। लेकिन बैंक ने क्या किया, फाइनेंशियल कंपनी ने क्या किया कि सभी के सिग्नेचर करवा लिए, यानी कि जो मृतक महिला है उनके, उनके पति के, बेटे के और बेटी के, एज बोरोवर इन द लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में उन सब के सिग्नेचर बैंक ने ले लिए। अब इसमें माननीय हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कि इवन इफ बोरोवर डाइड प्रायर टू पासिंग ऑफ द ऑर्डर, ये माना कि जो बोरोवर थी उनकी मृत्यु हो गई थी डीएम के ऑर्डर पास होने से पहले, इन आर कंसीडर्ड ओपिनियन, लेकिन हमारे मत से देयर कुड नॉट बी एनी अबेटमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर हर एस्टेट, क्योंकि जो है अगर मान लो मृत्यु भी हो गई है तब भी सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई है वो अबेट नहीं होनी चाहिए थी, रुकनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि व्हेन हर एस्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हर सन, क्योंकि वो जो उनका बेटा है वो पूरी संपत्ति का कानूनी वारसान है और जो है वो लायबल है सभी तरह के पेमेंट्स के लिए। तो इसलिए सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई रिकॉल की गई वो नहीं की जानी चाहिए थी, और नो डाउट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट इज़ नॉट एकिन टू ए सूट। इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स भी कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की और अन्य हाई कोर्ट्स की, जिसमें ये कहा गया है कि जो सरफेसी एक्ट की धारा 14 का जो जहाँ तक संबंध है वो एक मुकदमा नहीं है, एक सूट की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते, सिंस नो एडजुडिकेशन इज़ परमिटेड बाय डीएम, क्योंकि इसमें डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई अपना फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम वो पोजेशन का ऑर्डर पास करना है और इंश्योर करना है कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उनका पोजेशन बोरोवर से लेकर वो उसको जो है फाइनेंशियल कंपनी को या बैंक को वापस दिया जाए। इसलिए इसमें डीएम की कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होती, इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने डीएम के रिकॉल ऑर्डर को सेटिसाइड किया और उनको डायरेक्शन दी कि अपने पहले वाले ऑर्डर यानी कि पोजेशन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, वो भी इस ऑर्डर के 4 हफ्ते के अंदर अंदर। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि एक बार अगर डीएम
ऑर्डर इशू कर दें पोजेशन नोटिस अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट, उसके बाद वो उस ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, निरस्त नहीं कर सकते, और वो जो है ड्यूटी बाउंड है कि वो बिना किसी एडजुडिकेशन के जो टाइम पीरियड है सरफेसी एक्ट के तहत उसके अंदर अंदर वो पोजेशन का नोटिस जो है पोजेशन का ऑर्डर बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके हक में पास करके उसको कब्जा दिलवाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।